हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वर्ष 2022 में जो पॉलिटेक्निक में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके कंप्लीट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, इसमें कुल क्वेश्चन जो है 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कुल समय जो है वो 2 घंटा 30 मिनट यानी कि 150 मिनट का समय मिलता है 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसके बाद जो है इसमें प्रत्येक एक गलत क्वेश्चन करने पर 0.25 जो है वो माइनस मार्किंग भी करता है, तो ध्यान से अपने एग्जाम को देना है। और देखिए, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ से 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 50 क्वेश्चन और फिजिक्स से भी 50-50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन। तो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये पहला जो सेक्शन है हमारा, ये मैथ का सेक्शन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लें, ध्यान देख लें और आप वीडियो को पॉज करके एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखें, इसको सॉल्व करें, ताकि आपको आपके लिए ये उपयोगी हो, हेल्पफुल हो और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर भी करें। और एक चीज़ दोस्तों, यदि इसमें किसी क्वेश्चन का उत्तर जो है किसी किसी में टिक भी किया हुआ हो, वो सही भी हो सकता है और गलत भी। हमें किसी स्टूडेंट से ये क्वेश्चन मिला था, हमारा मकसद जो है सिर्फ आप लोगों तक ये क्वेश्चन उपलब्ध कराना है, ताकि आप लोग इस क्वेश्चन को देखें, समझें और अपने लिए उपयोगी बनावें। ठीक है, देख लीजिए, ये क्वेश्चन रहा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, आप इसी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके आराम से क्वेश्चन को देखें और सॉल्व करने का प्रयास करें। इसके बाद ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है वो बायलिंगुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, इसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन रहा, इसके बाद ये क्वेश्चन रहा। ठीक, इसके बाद देखिए, आप आराम से क्वेश्चन को देखते जाएँ, समझते जाएँ। इसमें हमारा चैनल को चैनल में आपको विभिन्न प्रकार के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और अन्य प्रकार के इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगे, तो इसे सब्सक्राइब कर लें यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर भी करें, ताकि ये और भी लोगों के लिए हेल्पफुल हो। ये क्वेश्चन 32-33, इसे आप लोग पॉज करके क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ये वीडियो को पॉज करके आराम से क्वेश्चन नोट करके क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करें। इसी टाइप का क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड भी नहीं होते हैं। यदि आप लोग अच्छी तरह से थोड़ा सा तैयारी भी कर लेते हैं, तो आराम से आप लोगों के 70-80 नंबर तो प्लस आ ही जाएंगे, और यदि आप 80 या 90 से प्लस नंबर लाते हैं, तो आपको एक अच्छे कॉलेज मिलने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। ठीक है, ये देखिए एपी से क्वेश्चन है इसमें, इसके बाद बहुत सारे चैप्टर से पार्ट से क्वेश्चन है। यहाँ तक जो 50 नंबर जो क्वेश्चन है, ये हमारा मैथ का पोर्शन ख़त्म हो गया। अब जो सेकंड पोर्शन है वो हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन इसमें दिया गया है। तो देखिए, 51 से 100 तक जो क्वेश्चन है उसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन रहेंगे। इसमें भी क्वेश्चन आपके सिलेबस के अंतर्गत ही पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है वह 11th या इंटर से रिलेटेड होते हैं, लेकिन वो कुछ ही परसेंट क्वेश्चन रहते हैं। बाद बाकी आपके सारा क्वेश्चन जो है वो 10th से ही रिलेटेड होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आसानी से इसे देखें, समझें और सॉल्व करने का प्रयास करें। इसी टाइप से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यह जो क्वेश्चन है वर्ष 2022 में पूछा गया है, पॉलिटेक्निक क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए पेज नंबर 16, इसके बाद देखिए एल्केन, एल्डिहाइड, एल्कीन, ये सब सारे टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसे देखिए IUPAC नेम, यौगिक, ये सब सारा क्वेश्चन। इसे वीडियो को पॉज करें और आसानी से क्वेश्चन को धीरे धीरे आप लोग देखते जाएं। ठीक है, और एक चीज़ दोस्तों, इसमें कुछ क्वेश्चन जो है मैं कुछ आंसर्स टिक किया हुआ है, या सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। यह हमें एक स्टूडेंट से क्वेश्चन मिला था, ठीक है, जो उसने किया हुआ था, ये इसमें से उनका उत्तर सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, बस हमारा उद्देश्य केवल आप लोगों को क्वेश्चन उपलब्ध कराना है। तो देखिए, यह 100 तक जो क्वेश्चन रहा, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया, यानी कि पहले सेक्शन में जो इसमें पूछा गया था इस पेपर में, वो मैथ का था। इसके बाद केमिस्ट्री का 100 क्वेश्चन, अब जो 101 से 150 तक जो क्वेश्चन होंगे वो फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे। तो देखिए, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये भी बायलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी पूछे गए हैं, कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ठीक है,
डायरेक्ट वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको चार चार ऑप्शन भी मिलते हैं, ठीक है। आप लोग आसानी से क्वेश्चन को पढ़ें। और एक चीज़, यदि आप लोगों को हिंदी में क्वेश्चन समझ में ना आए तो एक बार इंग्लिश में क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। इससे काफ़ी हद तक क्वेश्चन जो है वह आपके लिए आसान हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन हो गया जी। आप लोग अच्छी तरह से अपने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के 10th लेवल तक का जो है उसे एक बार अच्छी तरह से पढ़ लें। इतना भी फार्मूला वगैरह है ये सारा अच्छी तरह से यदि आप लोग देख लेते हैं तो इसमें आप लोगों को सिलेक्शन लेने में कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत के सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये सारा क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को पॉज करके, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या धीरे धीरे वीडियो को देखें, क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें, याद करने का प्रयास करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच ग्रुप में शेयर करें ताकि ये और भी लोगों के लिए हेल्पफुल हो। यह क्वेश्चन पॉलिटेक्निक का जो 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका क्वेश्चन पेपर है और ये कंप्लीट क्वेश्चन पेपर है जो कि आपको हमारे द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है, ठीक है। देखिए 144 पेज नंबर 29 और ये क्वेश्चन रहा टोटल 150। तो इसमें हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ तीनों पोर्शन को कंप्लीट प्रीवियस ईयर 2022 का पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन के पेपर को कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को देखें जिसमें पूरे 30 पेज। इसके बाद जो है पेज नंबर 31 एंड 32 जो है ये आपका रफ के लिए दिया जाता है। ये रहा आपका कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन रहे, देख सकते हैं आप लोगों के पास ये कंप्लीट क्वेश्चन रहा। एक बार फिर से आप लोगों को बता दें यह जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर 2022 में जो पॉलिटेक्निक में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को आप लोगों के सामने हमने लाने का प्रयास किया है। आप इसे अच्छी तरह से देखें, ठीक है, इसका इसे प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को टिक कर लें ताकि हमारे द्वारा जो डाला गया वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए ताकि आप लोग इसे देख सके और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर भी करें ताकि अन्य लोगों के लिए भी ये हेल्पफुल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग हेल्पिंग हैंड्स।